संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें। और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। रिम्स के सुरक्षा कर्मियों और ट्रॉली लाने वालों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल कर दिया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं रिम्स प्रबंधक की ओर से इनके वेतन का भुगतान करने का वादा किया गया है। ये कि पेमेंट की तो बात है ही, प्लस हम लोगों को जॉब चाहिए, जॉब से हटाया ना जाए। हम लोग तो छुट्टी मनाते मनाते तो खुश रहते हैं, 365 दिन हम लोग काम करते हैं, छुट्टी तो हम लोगों को मिलता नहीं है। हम लोग सब त्यौहार यहीं पर मिल जाता है, बताइए। बाल बच्चा परिवार परिवार को छोड़ के हम लोग यहाँ पे करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग पूरा ड्यूटी किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? ना पेमेंट क्लियर होता, ना ही कुछ क्लियर होता है, और हम लोग को ड्यूटी से बोला हटाया जा रहा, होम गार्ड आ रहा। उस समय कहाँ गया था होम गार्ड? जब कोरोना काल में सब ड्यूटी कर रहा था, कितने लोग होम गार्ड, ये कितने लोग यहाँ पे ये हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे गार्ड में, ट्रॉली मैन में, फिर मरे भी, उन सबका कौन ये करेगा, बताइए। और अभी कहा जब गार्ड आएगा, होम गार्ड आएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अभी तो 4 महीना हो गया, 5 महीने स्टार्टिंग हो चुका है। एक ही महीने, 5 महीना पूरा होने के बाद हम लोग 1 महीने का पेमेंट दिया गया। 1 महीने का पेमेंट से हम लोग कहाँ से चलेगा, बताए? बहुत मुश्किल से कर्जा लेके या फिर कुछ ऐसे ही कैसे चलाया जाए, बहुत दिक्कत से चल रहा है सर। रेंट भाड़ा हम लोगों को देना है, वो बाकी रह गया। हम लोग का खाना खर्चा हम लोगों का नहीं चल पा रहा, स्कूल का फीस नहीं दिला पा रहा है, बताए हम लोग कितना दिक्कत से है। इतना दिक्कत हो के भी हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, और अभी कहा जाता है कि हटाया जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं सर, हम लोग को ड्यूटी चाहिए, हम लोग अपना जॉब चाहिए, हम लोग को ड्यूटी चाहिए, हम लोग अपना जॉब चाहिए, हम लोग को यहाँ से हटाया ना जाए। इतना कोरोना वायरस में भी हम लोग नहीं हटे, अपना बच्चे लोग को गांव भेज दिए, और बच्चे के लिए भी तरस रहे थे रात को रो रो के, अरे यहाँ ड्यूटी कर रहे थे कोरोना वायरस, इतना महामारी चल रहा था, पर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। कितना भी कष्ट तकलीफ हम लोग अपने यहाँ पे ड्यूटी दिए हैं, ड्यूटी के तो हम लोग अपना जॉब चाहिए सर, हम लोग को जॉब चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग को सैलरी मिले, और हम लोग को जो ड्यूटी है 22 साल से जो कर रहे हैं, हम लोग नियमित रूप से करेंगे। हम लोग गरीब लोग को सेवा करते हैं, हम लोग को जो हम लोग का है 6-5 महीने से सैलरी हम लोग को नहीं मिला है। मकान मालिक हम लोग को बराबर बोल रहा है कि मकान खाली कर दो, पैसा दो। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो आए। हम लोग अभी 22 साल से, हमारा पिछली बार कोरोना काल में 5 साथी मर गया, ठीक है। हम लोग अपना जान को बाजी लगा कर ड्यूटी किए हैं सर कोरोना काल में। उस समय कोई नहीं आता था, पंटेंडेंट्स लोग लाश लेकर हम लोग जाते थे, उठाते थे। आप ही लोग को बताइए, अगर हम लोग को बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे रोजगार करने के लिए? 5 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला था, कभी हम लोग को बोला जाता था कि पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, कभी बोलता था ये करा, हम लोग सब करा के देते थे कि किसी तरह हम लोग का गरीब को, हाँ सब कुछ दिए सर हम लोग, लेकिन फिर भी बोले कि चलो भाई हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे उम्र में हम लोग को नौकरी भी नहीं लगेगा, बच्चा लोग का स्कूल का फीस देना है,
घर का खर्चा है, कहाँ से करेंगे। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।